विरासत विशा रूहानी खुशी देने वाला रिश्ता माँ। माँ तो बिना दुनिया देखनी संभव नहीं, इस नाल ही संसार का वजूद है। मावां औलाद नूं दूजा नालों 9 महीने ज़्यादा जानदियां हन। वो बच्चे नूं खून नाल पाल के जम्मण पीड़ा तो बाद जन्म दिंदी है। शुरुआती महीनों च माँ का दुध अमृत समान ते मुख खुराक है। 18 हफ्तों का बाल गर्भ समय शरीरक आवाज़ जिमें दिल की धड़कन जां बाहरी आवाज़ सुन लगता है। 26 हफ्तों बाद माँ की आवाज़ भी पछाण लैंदा है। 32 हफ्तों तक वह अखरां की धुनी समझण दे समर्थ हो जाता है। इसलिए नवे युग के बच्चों भाषा गर्भ दौरान भी सिखी मनी जा सकती है। इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दीयां खोजां यह साबित कर चुकिया हैं कि औरतों नूं गर्भ समय संगीत सुन किताबां पढ़न जां टीवी देखण दा वक्खरा अनुभव हुंदा है। बच्चे खुशी डर जां गुस्से दे प्रगटावे नूं पैर सिर जां हाथ दी हरकत नाल इजहार करदे अते आम तौर ते कामकाजी औरतां दे बच्चे फुर्तीले हुंदे हन। बच्चे पहला शब्द माँ जां मम्मा बोलदे हन जो संसार दी हर भाषा विच मौजूद है। माँ शब्द संस्कृत दे शब्द मातर दा पंजाबी तर्जमा है जो असल च लातीनी भाषा तो लिया गया है। भारत ते पंजाब विच माँ नूं बेबे माता माई झाई अम्मी मम्मी अमरीका कनेडा अफरीका च मॉम बरतानिया न्यूजीलैंड विच मॉम जां मम्मी नीदरलैंड आयरलैंड वेल्स विच माँ मैमी जां मैम पुर्तगाल विच माए इब्रू एम अते कोरियाई लोग यूमा शब्द नाल बुलाया जाता है। भारतीय समाज माँ बनन नूं वड्डा सुभाग मनदे हन। जनन क्रिया पूर्ण इस्त्री दी निशानी है। इस नाल परिवार दी कुल जां पीढ़ी भी अगे वधदी है। माँ बनना कुदरती शक्ति है जिस दी सब औरतां प्रबल इच्छा रखदियां हन। यह असल विच सौखी प्रक्रिया नहीं है। इस दौरान कई बार माँ नूं जान भी गवाउणी पैंदी है। बाद दा समां भी शरीरक ते मानसिक दबाव चों गुजरदा है। पहले 40 दिन नाजुक मन्ने जांदे हन जिस नूं चलीहा जां छिला आखदे हन। इस विच हल्की जां गंभीर उदासी घबराहट अते पीड़ा दा दौर मावां चलदियां हन। ममता दे मोह विच इह समां लंघदिआं पता ही नहीं लगदा। सब धर्मां ने माँ दे फर्जां पीड़ां अते महानता नूं सत्कार दित्ता है। श्री गुरु नानक देव जी लिखते हैं कि एक औरत ही वंश नूं चलाई रखती है। सानू औरत नूं भंडना जां फटकारना नहीं चाहिए क्योंकि उन्हां दी कुखों राजे महाराजे जन्म लैंदे हन। आधुनिक युग दीआं औरतां दी जीवन प्रणाली रुझेवियां भरपूर है। वह कई बार बच्चे की पैदाइश का फैसला देर नाल करदियां हन जबकि विज्ञान अनुसार 21 तो 30 साल तक माँ बनने की सही उम्र है। 31 साल तक 22% जनन शक्ति घट जाती है भावें शरीर सेहतमंद ही होवे। इसे कारण 35 साल की उम्रे माँ ते बच्चे नूं शरीरक ते दिमागी बीमारी के खतरे रहिंदे हन। माँ बच्चे की मुढ़ली संस्था तो घट नहीं, बच्चा माँ तो बहुत कुछ अणभुल समय विच भी ग्रहण करता है। बच्चे दे बचपन दे पल माँ दी जिंदगी नूं खुशियां नाल लवरेज कर देंदे हन। औरत नूं तोतले बोलां विच कहा माँ शब्द तां उमर नहीं भुलदा। बच्चे नूं संस्कार ते समाजिक सलीका भी माँ ही सिखाउंदी है। उसदा प्यार निम्रता ते देखभाल रिश्ते नूं होर गूढ़ा बनाउंदे हन जो केवल खाण पीण जां सेहत तक ही सीमित नहीं सगों अपने घेरे तों अगे वध के हर सुख सहूलत लई उपराले करदी है तां जो औलाद दा भविख उज्जवल ही होवे जिहड़े इस रिश्ते नूं होर भावक ते गूढ़े कर दिंदे हन। ममतामई मोह भी बच्चे दे अहसास समझण लई सहाई हुंदा है। इस लई उस दे बोले बिना उस दी भुख नींद खुशी नाराजगी ते मस्ती बुझ लैंदी है। बचपन दे लाड ते जिद दी पूर्ती मावां वाजों संभव नहीं। कोरोना संकट विच प्रवासी मावां वल्लों लंबे दुखदाई ते भुखमरी दे दौर विच बच्चियां प्रति समर्पण दी भावना वड्डी मिसाल है।
माँ का रिश्ता औलाद के वड्डे होने नाल होर गूढ़ा हो जाता है। मावां ते बच्चे खुलदिली नाल मनो भावना प्रगट करते हैं। ये ममता में मोह की खुशगवारी है। कुड़ियां तो मावां नाल सहेलियां वांग विचरदियां हन। बच्चों नाल प्यार विच लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हुंदे, पर धी अक्सर पिता के नेड़े ते पुत्रां दा ज़्यादा झुकाव मावां वल हुंदा है। मनोविज्ञानी भी औरतों नूं मानसिक पक्ष तों मजबूत मानते हैं। बच्चों नूं मावां मानसिक दबाव अते संवेदनमई हालात नाल निजठना सिखाउंदियां हन। इस नाल भविखमई फैसले लैण विच मदद मिलती है। अजिहे संस्कार जिंदगी च अहम स्थान रखते हैं। ये मावां दे जाण तों बाद ही साडे तों निखड़दे नहीं, सगों बचपन तो जवानी की दहलीज तक पहुँचद्या होर दुरुस्त हो जाते हैं, जिस नाल असी समाज विच सहयोग हमायत ते हलीमी नाल विचरते हाँ। मावां बच्चों लई प्यार ते चिंता बराबर रखदियां हन। भावें पढ़ लिख के उच्चे अहुदियां ते पुज जाण, मावां दी फिकर उमरां दे तकाजे नाल नहीं तोले जांदे। मावां दी ढलदी उम्र दे परछावें नवीआं उमंगां लै के आउंदे हन। अपने हत्थीं पाल के काज रचाउण दी दिली ख्वाहिश हुंदी है। नूं दीआं रौणकां ते जवाई नाल नवें रिश्ते विच बज्जिआ घर स्वर्ग तों घट नहीं जापदा, जिस विच कुल दे वाधे दी तांग भी उडारी भरदी है। पोते पोतियां ते दोहते दोहतियां नाल घिरी मां नूं समां ठहरिआ लगदा है। इस रब्बी बख्शिश नाल उह सुखां ही मंगदी है। नवें ਬਰੇਸਾਂ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਨਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚੌਤਰਫੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ। इस स्वार्थत बजे रिश्ते का करजा लथना आसान नहीं। मावां अपने अखीरी वेले भी परिवार दीआं सुखां ही लोचदियां हन। असी उस दीआं सिख्यावां नाल औखे पेंडे तय करदे हाँ, जिस सदका दुनिया तो जाण बाद भी साडे अंग संग रहिंदी है। तुर तां सब ने ही जाना है, पर समें तो पहलां बच्चों की माँ दूर ना होवे, इह खला पूरिया नहीं जा सकता। दुनिया खाली सुनी ते खामोश लगती है, जो मैनू कुछ साल पहला माँ दे तुर जाण मगरों महसूस होया। अपने परिवार समेत मावां नूं समां जरूर देवो, उसनू रूहानी खुशी दा आनंद कितों होर नहीं मिल सकता।